टेस्ट मैच इसको बोलते हैं, क्या सेशन टू सेशन किस तरह टेस्ट मैच होता है। शुरुआत करूं तो 46 पे इंडिया आउट हुआ, उसके बाद न्यूजीलैंड ने बहुत बढ़िया बैटिंग करी, रविंद्रा ने 100 करा, इंडिया ने भाई 107 रन का टारगेट दे दिया। बॉलिंग के ऊपर है भाई सारा मदारो मदार कि क्या इंडिया की बॉलिंग जो है वो नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा सकती है। जैसे बैटिंग ने करके बताया कि पहले 46 रन पे उठिए, फिर उसके बाद भाई लीड भी उतारी, फिर उसके बाद टारगेट भी 107 रन का दिया। नो डाउट के भाई अश्विन जडेजा नहीं चले, लेकिन एक इनिंग से नहीं हारे, न डर के नहीं हारे, और उसके बाद डिफेंसिव क्रिकेट इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड भाई पहला टेस्ट मैच और डे फोर जिस तरीके से इंडिया का एक अनबिलीवेबल कमबैक देखने में मिला, 462 रन भाई करके सरफराज की बात करें 150, ऋषभ पंत 99। हाँ मिडिल ऑर्डर की अगर बात करें धमाकेदार खेला, लेकिन लोअर ऑर्डर को अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सका, 107 रन का टारगेट मिला है। हमने जानना यह आज पाकिस्तानी पब्लिक से क्या इंडिया डिफेंड कर लेगा और इंडिया का जो बैटिंग में कमबैक रहा है। मैम सबसे पहले जो ऋषभ ने बैटिंग की, जो सरफराज ने बैटिंग की, क्या कहते हैं? सरफराज खान की बैटिंग डेफिनेटली बहुत आउटस्टैंडिंग नजर आई। वो कहते हैं कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, यहाँ पर सरफराज धोखा नहीं दे, सरफराज हमारे वाला धोखा दे सकते, आप वाला नहीं दे सकते, पॉइंट ये है बीच में। ठीक है, फाइट बैक फ्रॉम इंडिया। यार कोई इमेजिन कर सकता था कि 46 आउट होने वाली टीम 462 फिर अगली इनिंग में आउट होगी, जीरो पे आउट होने वाला सरफराज 150 करेगा, डोमेस्टिक का मेहनती लड़का। और ये इंडिया पाकिस्तान के लिए एक लेसन है कि भाई पाकिस्तान में लोग बाबर आजम पे पागल हुए मरते थे, कमरान ओलाम डोमेस्टिक का मेहनती आके परफॉर्मेंस दिखाया। इंडिया में भी आप देखो डोमेस्टिक के बहुत सारे अगर प्ले होता है, बारिश नहीं होती क्योंकि मौसम का कोई पता तो नहीं लगता, तो क्या 107 रन्स इंडिया के लिए इनफ होंगे? आई रियली डोंट नो। हाँ इसमें अगर 50-60 रन 100 रन और हो जाते मुझे ले दे के, फिर मैं कहूँगा कि मुझे उस 46 से कोई प्रॉब्लम नहीं है जो इंडिया पहली इनिंग में आउट हुआ है। मुझे वो 137 रन्स की पार्टनरशिप खा रही है जो रचिन रविंद्रा और इसके दरमियान हुई टिम साउदी के, वो पार्टनरशिप ना होती स्कोर्स मतलब इंडिया उसके आसपास करके ख़त्म भी हो जाता, तो वो उसमें से 100 रन भी आप ऐड कर लें चलें उस पार्टनरशिप के, जो अगर ना होती वो 37 रन की अगर पार्टनरशिप हो जाती तो इंडिया इस टाइम 200 समथिंग डिफेंड कर रहा होता, और 200 समथिंग फॉर टीम इंडिया इस विकेट के ऊपर जिसने अपना आप दिखाना शुरू कर दिया है, इट वुड हैव बीन समथिंग रियली गुड, ऑनेस्टली स्पीकिंग रियली गुड। इंडिया की तरफ से सेकेंड इनिंग्स में यार मतलब सरफराज खान ने डोमेस्टिक क्रिकेट में 16 सेंचुरीज हैं उस लड़के की, और उन 16 में से मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 8-10 या शायद इससे भी ज़्यादा ऊपर का नंबर उसका 150 प्लस का स्कोर है कुछ इस तरह करके है, यानी कि उसने बड़े स्कोर्स खेले हैं। KL राहुल पे मेरा तो KL राहुल को मैं हमेशा हाईली रेट करता रहा हूं और मैंने किया भी है, लेकिन KL राहुल इंडियन टीम में खेल रहा है, एवरेज उसकी कितनी है 34 की, मैचेस कितने हो गया कोई 50, आप खुद बताओ मुझे जस्टिफाई करती है ये चीजें, मुझे एक में मुझे बताओ 34 की एवरेज इंडियन टीम में, और भाई जगह ही नहीं बनती। इंडिया तो हमेशा बैटिंग की वजह से जाना जाता था, इंडियन क्रिकेट तो हमेशा बैटिंग की वजह से जानी जाती है, ये 34-35 की एवरेज इंडिया में बेटा नहीं चलती, इंडिया में तो हमेशा बैट्समैनों की एवरेज 50-45, 50-55 इस तरह की एवरेजेस रही हैं। हाँ इंग्लैंड में चले जाओ आप 34 की 30-40 के अंडर आप एवरेज से काम चला लोगे, ऑस्ट्रेलिया वाले भी खिला लेते हैं, साउथ अफ्रीका वाले भी खिला लेते हैं, पाकिस्तान वाले तो सर पे चढ़ा लेते हैं 30 वाले को, क्योंकि हमारे तो 30 एवरेज को अच्छा समझ रहा। इंडिया जो बैटिंग की वजह से जाना जाता है, जिसने क्रिकेट के ग्रेटेस्ट प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, वरिंदर सहवाग, रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, राहुल द्रविड, MS धोनी, और भाई 34 की एवरेज है KL राहुल की, किस तरह जगह बनती है उसकी आप मुझे बताओ। पाकिस्तान टीम होती ना, कोई और टीम होती 34 की एवरेज समझ आती, आप टीम इंडिया में खेल रहे हो तो इसका मतलब आप सरफराज खान को तो भाई ड्रॉप करना सरासर नाइंसाफी होगी, उसने ये पोजीशन अपनी अर्न की है, तो KL राहुल को तो भाई टाटा बाय बाय कर देना चाहिए क्योंकि और बात मैं आपको बताऊं, होता है ना कि आप नॉक कर रहे होते हैं, वो लड़का BCCI के दरवाजे के ऊपर टेस्ट क्रिकेट में इंक्लूड करो इससे रिलेटेड नॉक नहीं कर रहा था, भैंस की आंख उस लड़के ने दरवाजा ही उखाड़ के उधर मारा है भाई। उस लड़के ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट से उठ के BCCI की टेस्ट टीम में आने के लिए उसने दरवाजा उखाड़ के फेंक दिया,
कि हम हैं 150। ब्रिलियंट फाइट बैक बाय सरफराज। इसने जितनी गंदी शॉट पहली इनिंग में खेली थी ना सरफराज ने, ही मेड अप फॉर दैट शॉट इन द सेकंड इनिंग्स, ठीक है ना। इतनी इसने जबरदस्त बैटिंग की, अनफॉर्चुनेट है 150 के ऊपर आउट हो गया। ऋषभ पंत का मैंने बोल्ड नहीं देखा था। मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, मैंने ऋषभ पंत का आउट नहीं देखा था, मैं जरा बिजी था थोड़ा। तो मुझे जब पता चला ना कि ऋषभ पंत बोल्ड हो गया 99 के ऊपर, इमीडिएटली मैंने पता है क्या कहा था, मैंने कहा इनसाइड एज हुआ होगा। मुझे पता है ना ऋषभ पंत का कि वो यहाँ बैटर्स नॉर्मली जब 90s में 99-98 इस तरह आउट होते हैं ना, तो मोस्ट प्रोबेबली वो क्या करते हैं 99 पे। मैं आपको बताता हूँ, मुझे मेरे इमीडिएटली जेन में, चूंकि इतनी क्रिकेट देखी है, आपके जेन में इमीडिएटली एक स्टोरी बिल्डअप होती है, और मेरे जेन में ये था कि इसको क्लोज टू द बॉडी बॉल मिली होगी, ये 99 के ऊपर था, इसने कोशिश की होगी ऑफ साइड पर पुश करके क्विक सिंगल ले लूँ। अब वो बॉल जो है वो इसके हिसाब किताब में आई नहीं, इसका इनसाइड एज हुआ होगा और ये बोल्ड हुआ होगा, और एग्जैक्टली वही हुआ ऋषभ पंत के साथ, एग्जैक्टली जिसको कहते हैं। हालांकि बड़ा जबरदस्त खेल रहा था ये तो दो बॉल। हमर्स को कंसिडर नहीं किया जा रहा, केएल राहुल पर्ची को बैक किया जा रहा है, शुभमन गिल पर्ची को बैक किया जा रहा है, और जब आपने डोमेस्टिक के लड़के को खिलाया सरफराज जैसे, तो आप देखो ना कहाँ केएल राहुल की 34-36 की एवरेज और कहाँ 70 की एवरेज है भाई सरफराज की अभी तक की। आप इमेजिन कर लो वो कितना ज़बरदस्त किस्म का प्लेयर है, क्या कमाल की बारी खेली है यार। आप एक लम्हे के लिए भूल जाओ कि इंडिया की टीम इस वक्त मुश्किल में है, ट्रबल में है, 107 के टारगेट का क्या बनेगा, बारिश का क्या बनेगा, उसको साइड पे कर लो, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। बट लेट्स प्रेज ऋषभ पंत एंड सरफराज यार, मतलब कमाल हो गया यार। एक बंदे की आप इंस्पिरेशनल जर्नी देखो यार, वो किस जर्नी किस मुश्किलात से आया और आके, मतलब जो उसका एटीट्यूड है, वो एक फाइट बैक है, वो कम नहीं हो रहा यार, वो और ज्यादा स्ट्रांग होके आया है, और इसने तो टेस्ट क्रिकेट की तारीख ही बदल के रख दी है यार। ये वो टाइप बैट्समैन नहीं है टेस्ट क्रिकेट में भी जो तेज खेलते थे ना, जैसे वीरेंद्र सहवाग या बाकी, इसका अपना है ऋषभ पंत एक ही है यार। ये एक अजीब तरीके से अगली टीम को अटैक करते हो, उसको खुद भी समझ नहीं लगती यार। जब वो सोच रहे होते हैं अटैक करेगा तब नहीं करेगा वो, तब उनको डिफेंड करके हैरान कर देते हैं, जब वो सोचते हैं अब नहीं अटैक करेगा तब उनको ऐसा छक्का मारता है कि वो ग्राउंड से ही बाहर चला जाता है। मैं कहता हूँ अनबिलीवेबल यार। ठीक है अनलकी रहा, 99 पे आउट हो गया, आप कभी जीरो पर भी आउट हो जाते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। बट मेरे लिए मैटर करता है कि जो आपने करेक्टर शो किया, जो आपने इम्पैक्ट डाला अपनी इनिंग का गेम पे, वो सबसे मानी है इस चीज़ है यार। 46 पे आउट होने के बाद आप दोबारा न्यूजीलैंड को बैटिंग करवा रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। और ये नहीं है कि फ्लैट ट्रैक पे आपने टक 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 900 बना दिया है तब आप इंग्लैंड को बैटिंग करा रहे हो, नहीं, आपने मुश्किल कंडीशन न्यूजीलैंड को आपने मुश्किल कंडीशन में 462 बनाए यार, आसान काम नहीं था, बहुत मुश्किल कंडीशन हुई हुई थी यार। और ये बहुत काबिले तारीफ है, यू विन सम यू लूज सम, इंडिया यहाँ से जीत जाए, इंडिया से यहाँ से हार जाए, हमें हारने की भी आदत डालनी चाहिए। न्यूजीलैंड भी डिजर्व करता है, उनके भी वो नए और ओके लड़के ने इतना ज़बरदस्त किस्म का स्पेल किया है, कमाल की उसने बॉलिंग की है। फिर आप हेनरी को भी देख लो, उसने तो आज जो बड़ा धमाका हुआ वो हम लोगों ने देखा भाई, 150 की इनिंग आप खेल के गया, दैट वाज अनबिलीवेबल। एंड मजा आया देख के भाई, हमारे आजम खान से हिला नहीं जाता वो थैले से, वो गट्टू से, और यहाँ पर इनको देखिए ये मतलब इतना कमाल का खेलते हैं। एंड यहाँ से पता चलता है कि इफ यू हैव वेट दैट डजंट मैटर, यू हैव पैशन फॉर द गेम। और जो सिर्फ फराज खान का पैशन नजर आया कमाल का है, ऋषभ पंत के लिए थोड़ा सा सैड है भाई के 100 होते होते एग्जैक्टली आप एक रन करने देते थोड़ा सा तो वो भी खुश हो जाते कि आज मेरी 100 कंप्लीट हो गया। एंड सेकंडली आपने बात किया कि इंडिया ने कमबैक किया है, इंडिया ने जैसा कमबैक किया है वो अनबिलीवेबल है, क्योंकि लोग 90% यही कह रहे थे कि जो मैच है वो न्यूजीलैंड जीत चुका है, इंडिया कमबैक नहीं कर पाएगा। और सीरियसली 46 पर जब इंडिया के ऑल आउट हो गए थे एंड न्यूजीलैंड इतना पहाड़ जैसा एक टारगेट लाकर रख दिया था, उसके बाद तो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन मेरे ख्याल में विराट दोबारा आए, रोहित शर्मा वापस आए, जयसवाल वापस आए, उसके बाद ऋषभ पंत वापस आए, इतने कमाल की इनकी परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिली। एंड सेकंडली अगर बात की जाए बॉलिंग लाइनअप की, तो बॉलिंग लाइनअप भी बहुत ज्यादा कह लें कि एक अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दिया। आप जडेजा की बात करें, आप कुलदीप यादव की बात कर लें, तो मेरे ख्याल में इंडिया के पास एक पूरा कॉम्बो आपको नजर आएगा। जैसे यहाँ पर कहते हैं कि पराठे का अच्छा कॉम्बो मिल रहा है, वहां पर टीम इंडिया के अच्छे कॉम्बोज मिल रहे हैं। कमबैक इंडिया ने किया, इसको ग्रेटेस्ट कमबैक्स में कहां देखिएगा, 46 से 662 पे जाना भाई, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट से भी ग्रेटेस्ट कमबैक आपको नजर आता है। क्योंकि आई थिंक जो कि यहां पर अगर पाकिस्तान टीम होती तो वो कहती है भाई ठीक है मैं जा रहा हूँ, ठीक है अल्लाह काम खत्म, टाटा बाय बाय, मेरा काम खत्म हो गया यहाँ पर। और यहाँ कहते हैं कि ये लोग आप इंडिया को देख लेते हैं कहाँ से आते हैं ये लोग, ठीक है इतना अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। स्पेशली सीरियसली आपने कहा कि 107 का टारगेट है, तो आई होप सो कि अगर इंडिया
46 पर आउट हो सकते हैं ना, तो वो न्यूजीलैंड को भी पकड़ सकता है। कल बुमराह चलेगा, कुलदीप चलेगा, जडेजा चलेगा, कल किसका जादू चलेगा? I'm hoping कि अटैकिंग हमेशा बुमराह करता है आके, तो बुमराह का जो अटैक है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होना चाहिए कि इतना अच्छा अटैक करे कि भाई कंसेक्टिव आई थिंक से उसको विकेट निकालनी चाहिए एंड ही विल। उसका पता नहीं चलता है कि वो कब क्या करने वाला है एंड उसका जो स्टाइल है वो बड़ा यूनिक है, ठीक है। एंड सेकंडली अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल में अश्विन से बहुत एक्सपेक्टेशंस है एंड डे 5 भी होगा, इट विल बी द फाइनल रिजल्ट्स कि कौन जीतने वाला है कौन नहीं। टारगेट नो डाउट बहुत कम है, बहुत कम है, लेकिन आई थिंक सो कि इंडिया का जो जज्बा है ना अपने खेलने के नेशन की तरफ या अपने पैशन है जो उनका, वो उसको लेकर कुछ भी कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली हम कहते हैं इंडिया जॉइंट्स हैं, इंडिया मॉन्स्टर्स हैं, इंडिया इज द फादर ऑफ क्रिकेट। तो जब फादर ऑफ क्रिकेट मैदान में उतरते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोच के ही मैदान में आते, वैसे मुंह उठा के मैदान में नहीं आ सकते हैं। तो मैं यही उम्मीद करी कल का हैंड क्रॉसेस है और आज भी, मतलब कि ये जो टेस्ट मैच हमने देखा ना, ये दिल पे पत्थर रख के देखे सीरियसली, इतने हार्ट अटैक्स। इंडिया जब 46 पे आउट हो गया, हार्ट अटैक आ गया बीच में, जब विराट का 70 हुआ डबल हार्ट अटैक आ गया। सरफराज ने खुश की अटैकिंग मोड पे, पाकिस्तानी वहां से बात करते हैं कि क्या आज की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे, सरफराज के बारे में क्या कहेंगे, ऋषभ पंत के बारे में क्या कहेंगे। 150 करके 199 कर गया, अब सारा बॉलिंग के ऊपर दारोमदार है। देखिए सीधी सीधी बात है कि हम लोग आज बात करेंगे, बैटिंग बहुत रिमार्केबल रही है, 46 पर ऑल आउट होने के बाद 107 का टारगेट देना एक ही इनिंग के अंदर, ये मतलब इम्पॉसिबल था। जिस तरह से आप खुद देखिए कि 462 की इन्होंने रिमार्केबल सेकेंड इनिंग खेली है, जिसमें आपको हर बंदा परफॉर्म करता हुआ अपनी एक जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन करता हुआ नजर आया। ये शास्त्री जायसवाल से लेकर ऋषभ पंत तक और आगे अगर हम लोग चले तो मतलब हर बंदे ने जो है ना वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। अगर अश्विन और जडेजा कभी खड़े हो जाते जिस तरह बांग्लादेश की तरह खड़े होते, मतलब मैच भाई 100% इंडिया। एग्जैक्टली, मैच बहुत अच्छा जा रहा था, बस बारिश की वजह से फिर से अगेन बॉल सीम होना शुरू हो गई। लेकिन अगर अश्विन और जडेजा खड़े हो जाते तो फिर तो मतलब बात ही खत्म हो जाती ना। फिर जो 400 का टारगेट इन्होंने दिया था, इनको उल्टा पड़ जाना था। लेकिन अब जो है बॉलिंग पर बात आ गई है और बॉल सीम भी हो रही है, तो ये इंडिया को एज होगा। लेकिन अगेन बारिश स्टार्ट हो गई है, मैच सस्पेंड हो गया, कुछ भी हो सकता है कल के दिन। बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर जो इंडिया 96 पर ऑल आउट होने के बाद इस तरह का कमबैक कर सकता है, वो इंडिया 46 जो इंडिया 46 पर ऑल आउट होने के बाद 107 का टारगेट दे सकता है, वो इंडिया इनको आउट भी कर सकते हैं। मुझे बताएं, ये बताएं कि फिफ्थ डे के अंदर बॉलिंग बिल्कुल जो है वो सपोर्ट करेगी, पिच बिल्कुल सपोर्ट करेगी बॉलिंग के लिए। मुझे ये बताएं कौन सा बॉलर आपको लगता है कि भाई इंडिया को मैच विनिंग के अंदर वहां पे 30-30 नहीं T20 वर्ल्ड कप के अंदर बनने दिया, तो यहां पे क्या नहीं कर सकते न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो तो फिर साउथ अफ्रीका थी। ये बताएं जसप्रीत बुमराह, सिराज, कुलदीप यादव, अश्विन जडेजा, कौन सा बॉलर आपको लगता है कि भाई यहां पे नंबर 1 पे जसप्रीत बुमराह। फराज खान को फॉर एग्जांपल आप देखो, सर फराज ने भाई 150 मारा है, 3 छक्के 8 चौके, 76 का स्ट्राइक रेट, कितनी जबरदस्त वो बंदा बैटिंग करके गया, तब कितने चस के साथ वो लड़का खेल के गया। बाकी आप देखो पंत 94 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, 5 छक्के 9 चौके, के एल राहुल 12 रन किए हैं भाई। यकीन करो के एल राहुल अगर इस टाइम पे अच्छा खेल जाता ना तो टीम इंडिया भाई बड़ा, इस टाइम टीम इंडिया अच्छा कर, बल्कि बारिश आ जानी थी यार, और 15-20 मिनट में बारिश आ जानी थी, आज का दिन चले जाना था किसी तरह। मतलब अभी भी जब दिन स्टार्ट, इंडिया ने अपनी बॉलिंग स्टार्ट की है तो भाई बुमराह ने जो 4 बॉलें की हैं, यकीन कर ले भाई, मैं कसम उठा चुका हुआ था कि ये बुमराह पहले ओवर में विकेट लेगा। जो उसने पहली बॉल की है ना, वो देव जुरेल ने पीछे से पकड़ी है, विराट ने भी बड़ा एक्सप्रेशन दिए हैं। फिर उसने जो दूसरी बॉल की है, फिर उसने जो तीसरी पैडू पर मारी है लाके, वो तो भाई बच गया, बस लैथम बच गया, बबूली बच गया, वरना उसने चले जाना था। उसके बाद फिर उसने ओल भी बहुत अच्छी की है, फिर वो मैच रुकवा गया, अगर वो बुमराह का ओवर भी पूरा होने देता ना अंपायर फुदर ने भी 2 बॉलें भाई करवा ले, 2 बॉलें अंपायर अगर करवाने देता ना तो भाई मैं कहता हूँ विकेट गिर जानी थी। अगर आज खेल पूरा होता ना, यकीन करो जिस तरह की ओवर कास्ट कंडीशन बन चुकी हुई थी, सिराज और बुमराह शायद पी जाते इनको, यकीन कर लो भाई, इन्होंने पी जाना था ये न्यूजीलैंड वालों को। अब सुबह अब डिपेंड करता है वेदर का, अब मैं तो कहता हूँ ओवरकास्ट कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि स्पिनर जो है ना, स्पिनर इतने कम टोटल को तो कम से कम नहीं ना रोक सकते। ओवरकास्ट कंडीशन, थोड़ा बादलों वाला माहौल होना चाहिए, फिर ही बुमराह और सिराज आके काम तमाम कर सकते हैं। बाकी देखो टीम इंडिया ने, देखो इंडिया बहुत ज़बरदस्त खेला है, ये भी देखो कि वो टीम 46 पे ऑल आउट थी, उसके बाद 107 का टारगेट भी दिया है, 356 भी उतारे हैं,
इंडिया ऑलरेडी फॉर्म में हमें नजर आ रहे हैं और वो परफॉर्मेंस दिखाते हुए भी हमें नजर आएंगे। ये 110% उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो जिस जब बंदा उस बंदे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाए तो फिर वो कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करता। आप रिपोर्ट्स उठा के देख ले, रिकॉर्ड उठा के देख ले, हिस्ट्री उठा के देख ले, ठीक है। अगर अब हम लोग बात कर लेते हैं जी जसप्रीत बुमराह नंबर वन, उस पर सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं और वो उम्मीदों को मतलब पूरा उतरेगा। कुलदीप अगेन मेरा सेकंड चांस जो था वो उसी की तरफ था। कुलदीप बहुत अच्छा जो है वो यहाँ पर हमें सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। अश्विन एंड देन जडेजा आल्सो सिराज, बड़ी बैलेंस है, बड़ी बैलेंस बॉलिंग है तो उन्होंने बॉलिंग करके दिखा दी। अभी वैसे कितनी परसेंटेज देंगे आप इंडिया को यहाँ से विन के ऊपर? 107 स्कोर बहुत बड़ा टारगेट है। जो रूट और पता नहीं कौन कौन, देखिए आप खुद देखिए टॉम लैथम की अगर हम बात करें वो खुद इटसेल्फ बड़ा एक कंपोज प्लेयर है और जो न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइन है बहुत बेहतरीन बैटिंग लाइन है। आप रचिन रविंद्रा की बात कर ले, चाहे लैथम की बात करें, ब्रेसवेल की बात कर ले, एग्जैक्टली तो मतलब एक बहुत कंपोज्ड की आपको बैटिंग लाइन नजर आएगी। लेकिन अगेन इंडिया के बॉलर्स भी किसी से कम नहीं है, किसी से पीछे नहीं है, वो पूरा मुकाबला करेंगे T20 की तरह आपको आउट करते हैं। एक्साइटेड है वैसे कि यहां से अगर इंडिया जीतता है तो भाई हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं होगा कि एक टीम 46 रन आउट हो जाती है फर्स्ट इनिंग के अंदर और फिर उसके बाद ऐसा कमबैक करते हैं कि मैच को विन कर लेते हैं। यहां पे पाकिस्तान जो है 550 स्कोर जो है वो करके हार जाता है। क्या लगता है ऐसी हिस्ट्री क्रिएट? देखिए मुझे देखिए इंडिया इज ऑलवेज देयर व्हेन आपको रिकॉर्ड बनाने होते हैं, जब आपको मिरेकल्स बनाने होते हैं, जब आपको अनबिलीवेबल करना होता है तो इंडिया इज ऑलवेज देयर और इंडियन क्रिकेट इज ऑलवेज देयर। तो आई एम 100% एंड 10% कॉन्फिडेंट कि इंडिया ने जीत ही जाना है। पता नहीं इंडिया करता क्या है, कहां से मैच निकाल के अपनी तरफ ले जाता है, लेकिन ले जाता है। सरफराज के लिए क्या कहेंगे भाई, क्या टैलेंट है यार। उसके बाद बात ही नहीं, ये तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन था कि ऋषभ पंत और सिराज सरफराज की जो पार्टनरशिप लगी है अनबिलीव 150 एंड 99, ओ माय गॉड, एक स्कोर से बस वो बेचारा ऋषभ पंत रह गया अपनी सेंचुरी में। लेकिन टेस्ट का बहुत बड़ा प्लेयर है ऋषभ पंत, ये सब मानते हैं, सब जानते हैं। और फिर 2 साल के बड़े गैप के बाद एक मतलब ड्रेडफुल एक्सीडेंट के बाद ऐसी कमाल की इनिंग, मतलब दिल जीत लिया इस बंदे ने। और सरफराज को मैं कहूंगी यार देखो हमारे आजम खान को भी कुछ सिखा दो, इतना भरा गोलू मोलू सा लड़का आकर इतना मार गया कीवीज को, तो मैं कहूंगी कि हमारे आजम खान को भी इससे सीखना चाहिए। 191 साउथी जिसने 65 करा और दोनों इनिंग्स में बड़ी वाइटल विकेट ली, पहले इनिंग्स में रोहित को और आज जो उसने सरफराज को आउट करा, वहां से मैच चेंज हुआ। इसीलिए बोलते हैं जी टेस्ट मैच सेशन टू सेशन खेला जाता है। 231 पे 3 आउट के बाद आज जो शुरुआत हुई सरफराज खान और ऋषभ पंत, बहुत ही टॉप क्लास बैटिंग करी, मज़ा आया देख के। स्पेशली ऋषभ पंत ने जो छक्के कराए, छक्के समझते ना, 5 छक्के, एक तो 107 या 8 मीटर का छक्का कराया, लेकिन टू गुड, एक रन की कमी से सेंचुरी नहीं हो सकी, तो हर रन काउंट करता है। 177 की पार्टनरशिप में डोमिनेट करा ऋषभ पंत, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छा खेला। कल के निस्बत आज सरफराज थोड़ा फंस के खेला, कल तो उसने कराए थे 3 छक्के, आज वो संभल के खेला, वो संभला नहीं, जब तक ऋषभ पंत है मैं बॉल टू बॉल खेलता हूँ। दोनों की पार्टनरशिप बहुत अच्छी हुई, बहुत तेज हुई और मेरा ख्याल है प्रिविलेज टू वॉच दोनों की इनिंग्स, स्पेशली सरफराज खान की, पहला 100 और उसने बताया कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर ही होते हैं। जिस तरह हमारे कामरान गुलाम ने नंबर 4 पे 100 करा, इसी तरह सरफराज ने नंबर 4 पे 100 करा, लेकिन डोमेस्टिक का उसने मज़ा चखा हुआ है, उसने परफॉर्म करा हुआ है तो उसको आता है। माफ़ी चाहता हूँ, किस तरह टैकल करना है स्पिनर को, किस तरह टैकल करना है फास्ट बॉलर को। और ऋषभ पंत तो आपको पता ही है जी, जहाँ मर्जी जब मर्जी जो बॉलर सामने हो जहाँ मारना चाहता है वहाँ पे मार देता है, चाहे वो स्कूप शॉट हो, चाहे वो छक्के हो, चाहे सामने साउथी को छक्का कराया। लेकिन उसके बाद जहाँ पे सरफराज कवर्स पे आउट हुआ साउथी पे ऑन द माने गया, चलें पहले यह इस पे आ जाते हैं, टर्निंग पॉइंट पता आपको क्या था? जब नया बॉल लिया, दूसरा नया बॉल लिया, वहाँ से आपने देखा बॉल हिला, सरफराज भी बीट हुआ, ऋषभ पंत भी बीट हुआ
उसके बाद जब साउथी आया तो उस पर चार्ज करा, जिसकी वजह से लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सरफराज आउट हुआ। ऋषभ पंत अपना डब्ल्यू और रॉड के आया राउंड द विकेट बोल्ड। बंगलौर टेस्ट में भारत शायद पहले रोज से ही नहीं था, मगर दूसरी इनिंग के अंदर दो चार लम्हे ऐसे आए जहां पर लगा कि मैच में वापसी हो सकती है, खासकर 408 के ऊपर तीन बल्लेबाज आउट हुए। आप सोचिए कि एक बार कहानी बदली नजर आ रही है कि शायद 200 से प्लस कहीं पर भी टारगेट दें तो एक यू नो के इंटरेस्टिंग मैच बन सकता था, मगर सरफराज खान और ऋषभ पंत के आउट होने के बाद कहानी एकदम बदल के रह गई। सिर्फ 54 रन के ऊपर सात खिलाड़ी आउट हुए भारत के, और उसके बाद कहानी कहीं पर भारत के हक में नहीं रही। इसमें तारीफ करनी पड़ेगी ऋषभ पंत की और सरफराज खान की, खासकर सरफराज खान की, जैसे कमाल उन्होंने बल्लेबाजी की है। ऋषभ पंत सातवीं दफ़ा अपने सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर पाए हैं, अगरचे टेस्ट के अंदर उनकी 6 सेंचुरी ज़रूर है, मगर सात बार ऐसा हुआ है कि वो नर्वस 90s के शिकार हुए हैं। आई डोंट थिंक सो कि नर्वस 90s किसी तरह से उनको कहा जाए, क्योंकि जिस तरह की वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, खासकर उससे पहले जब वो छक्का लगाया था उन्होंने ज़बरदस्त, शायद 107 मीटर का लगाया था, वह कहीं पर भी नर्वस नज़र नहीं आई। मगर आप कह सकते हैं कि सात मरतबा ऐसा हुआ है कि 90+ के स्कोर के ऊपर वो आउट हो गए हैं। आप कह सकते हैं कि वो अपनी इंडिविजुअल गेम नहीं करते हैं, टीम के लिए खेलते हैं, जो पैटर्न उन्होंने शुरू में लेकर रखा होता है उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 90s पे खड़े हैं, उनको अपना सेंचुरी मुकम्मल करना है, जो स्टाइल है उस स्टाइल के साथ लेके चला जाता है, इसलिए ऋषभ पंत के ऊपर बहुत बात की जाती है। यही बात है कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स भी उनको बहुत वेटेज देते हैं, जो बॉर्डर गावस्कर सीरीज के ऊपर बातचीत होती है, इसलिए ऑस्ट्रेलियाई जो खासकर फास्ट बॉलर हैं वो ऋषभ पंत को बहुत मानते हैं कि वो एक अच्छे और मंझे हुए बल्लेबाज हैं भारत के। मगर जहाँ पर अब उनके आउट होने के बाद, सरफराज के जाने के बाद, कोई और बल्लेबाज टिक नहीं पाया और सिर्फ 54 रन के ऊपर सात बल्लेबाज आउट हुए भारत के, और उसके बाद कहानी मुझे लगता है कि भारत के हाथ से बिल्कुल निकल चुकी है, क्योंकि 107 रन चाहिए, बैड लक की वजह से मजीद मैच नहीं हो पाया, और शायद दो चार ओवर होते हुए कभी विकेट मिलती, बट आई डोंट थिंक सो कि अब भारत के हाथ में कुछ खास रहा है, क्योंकि जिस तरह की पिच अभी तक भी बिहेव कर रही है, जितनी खुले में बैटिंग हो रही थी, अगरचे आखिरी 54 रन के ऊपर सात विकेटें जरूर गिरी हैं, मगर ओवरऑल बैटिंग ठीक तरह से हुई उस पिच के अंदर, और आप देखें कि न्यूजीलैंड बॉलर्स की ठीक ठाक किस्म की पटाई भी की, खासकर सरफराज ने और ऋषभ पंत ने। और मुझे लगता है कि मैं जो पहले प्रेडिक्ट कर रहा था कि भारत जैसे 46 पर ऑल आउट हुआ फर्स्ट इनिंग के अंदर, मैं मानने को तैयार नहीं था कि किसी तरह से भी ये मैच बिल्कुल क्लैप्स करेगा भारत और मैच दूर उनके हाथों से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब जाकर इस डे में पता लगा कि भारत मैच के अंदर नहीं है। इससे पहले कहीं पर भी लग रहा था कि भारत मैच में वापसी कर सकता है, कहीं कहीं वापसी की भी थी, खासकर जैसे शुरुआत में ओपनिंग पार्टनरशिप की अगर आप रोहित शर्मा जायसवाल की बात करें, बड़े ज़बरदस्त खेले थे, उसके बाद विराट कोहली की बारी भी ठीक थी, कल आखिरी बॉल के ऊपर उनका आउट होना भी एक टर्निंग पॉइंट था जो न्यूजीलैंड को काफ़ी सपोर्ट किया, मगर उसके बावजूद ऋषभ पंत ने और सरफराज खान ने कमाल बैटिंग की, और मुझे ये लगता है कि न्यूजीलैंड को जो पहले में 46 पर ऑल आउट जो किया इंडिया को, वही एडवांटेज आज भी उनको फ़ायदा दिया, और 107 रन उनको चेस कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि शायद लंच ब्रेक से पहले पहले कहानी पूरी हो जाएगी, और ये बहुत अरसे के बाद ऐसा होगा कि भारत अपने घर के अंदर कोई टेस्ट मैच हारे। मैं ज़ाती तौर पर यह समझ रहा था कि न्यूजीलैंड से भी शायद बुरा खेलेगा, सॉरी बांग्लादेश से भी शायद बुरा खेलेगा न्यूजीलैंड, क्योंकि बांग्लादेश स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं और भारत स्पिन का शिकार करता है। यहाँ पर भी आप देख लें कि तीन स्पिनर्स खिलाए हैं, मगर आप देखिए कि जो 46 फॉर ऑल आउट होने के बावजूद भारतीय बॉलिंग में भी कहीं पे प्रॉब्लम रहा कि आपने टीम सऊदी से भी 65 रन बना लिए, जडेजा ने भी ठीक ठाक किस्म की, रविंद्र जडेजा की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने भी रचन रविंद्र, इन दो आउट होने के बाद ना बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा था राहुल पे, कि वो बहुत ज़्यादा टेस्ट मैच खेला हुआ प्लेयर है और बहुत ही ज़्यादा सबका फेवरेट है, लेकिन वो उसने आज ना उम्मीद करा, मतलब डिसअपॉइंट करा उसने, जिस तरह वो एंगल करते हुए कॉट बाइंड हुआ, माना बॉल नया था, बाउंस हो रहा था पिच पे, आज जैसे बाउंस ज़्यादा था कल की नस्बत, नया बॉल में जान है। और राहुल के आउट होने के बाद जडेजा पुल मारते हुए आउट हो गया शॉर्ट स्क्वायर लेग पे, वहाँ से भी संभल नहीं पाए, क्योंकि मेरे हिसाब से इस पिच पे 200 रन का टारगेट बहुत अच्छा था। 2.25 घंटे आज बारिश की वजह से ज़ाया हुए, 10:30 बजे हमारे 10:30, आप लोग के 11 बजे, जो टाइम ज़ाया हुआ उसका एक तो बॉलर्स को रेस्ट भी मिला और उसके 8 ओवर 9 ओवर बाद नया बॉल भी आ गया, कप्तानी लेथम ने बहुत अच्छी करी। लेकिन नंबर 6, 7, 8 जो परफॉर्मर थे बांग्लादेश के अगेंस्ट, दोनों ने परफॉर्म करा, जडेजा ने और अश्विन ने 100 करा था, वो जल्दी आउट हुए। 5 पे जडेजा आउट हुआ, 15 पे अश्विन आउट हुआ, 12 पे राहुल आउट हुआ। ये तीन जो विकेटें गिरी ना, अगर ये 30-30, 35-35 रन ऐड करते तो मेरे ख्याल है कि मैच बहुत मज़ेदार हो जाता,
उस सूरत में भी जहां पे आज भी दो घंटे जाया हुए, आप ये देखें अभी कहने को तो चार दिन हुआ, अभी बारिश की वजह से मैच रुका हुआ है, तीन दिन का मैच भी नहीं हुआ कंप्लीट और फैसला सर पे आ पहुंचा है, आप देख रहे होंगे। नए बॉल के बाद जी अगर टर्निंग पॉइंट मेरी नजर में कोई था तो वो लॉर्के की बॉलिंग थी। लॉर्के ने बहुत टू गुड बॉलिंग करी, उसने बड़ी क्रूशियल विकेट ली ऋषभ पंत की, उसके बाद राहुल की और फिर जडेजा पुल मारते हुए आउट हुआ। लेकिन क्रेडिट देना चाहिए जी, दो सेंचुरियां बॉलर्स ने बनाई पटेल ने और हेनरी ने, लेकिन 150 करे सरफराज ने, 99 पे ऋषभ पंत आउट हुआ। जिस तरह न्यूजीलैंड वापस आया ना गेम में, क्रेडिट देना चाहिए उन्हें, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा लगा था बिल्कुल ठंडे पड़ गए, बारिश हुई, बारिश से फायदा हुआ, रेस्ट मिला बॉलर को और फिर नया बॉल आया, उसके बाद उन्होंने काउंटर अटैक करके आउट कर दिया। बाकी बुमराह LBW सिराज ने मारा रन बनाने के लिए गया, वो उसको इंस्ट्रक्शन दी गई होंगी। अब आ जाता हूँ जी वो बात जो वेलकम टू आवर टुडेज रिएक्शन वीडियो। कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइज आप लोग तो जानते ही हैं कि जैसा कि जो ये मैच हो रहा था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, इसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा और गाइज सरफराज खान तो भाई सबसे ही ज्यादा अच्छे चले, और गाइज ये सब बहुत ही अच्छे से चले, और गाइज ऋषभ पंत ने भी बहुत ही अच्छा स्कोर किया है, मतलब इन्होंने भी बहुत इंडिया के स्कोर को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प की है। बट गाइज एक पर्सन है जो कि मतलब आई डोंट नो क्यों बट वो थोड़े लो चले, मतलब उनके 35 की उन लोगों ने 35 रन बनाए, मतलब जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। तो आज मैच में ट्विस्ट लाने में उनका मतलब कोई भी वो नहीं है, पार्टीशन नहीं दिया उन्होंने, तो वो है KL राहुल गाइज, जिनके के बारे में पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि भाई KL राहुल को मतलब आगे KL राहुल की जगह जो सरफराज खान है उनको मौका देना चाहिए, क्योंकि उनको बहुत जगह कम मौका मिलता है और अब उन्हें मौका मिला है तो उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा खेला है, तो इसी वजह से सरफराज खान की जगह मतलब KL राहुल की जगह सरफराज खान को मौका देना चाहिए। और गाइस सरफराज खान ने तो इतनी गजब बैटिंग की है, इतनी गजब बैटिंग की है कि इन्होंने 197 बॉल में 150 रन्स बनाए, यानी कि सेंचुरी से भी अपनी ऊपर पहुंच गए, और गाइस इन्होंने मतलब पूरे न्यूजीलैंड को बिल्कुल दिखा दिया है कि भाई इंडिया बहुत गजब टीम है, इंडिया के पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, और गाइस इंडिया एक ऐसी टीम है जो कि ट्विस्ट ला सकती है मैच के बीच में। तो गाइस मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल था ये ट्विस्ट लाना, बट इंडिया ने ला दिया और इंडिया बहुत बाद में मतलब वापस आई है भाई, इंडिया ने पूरा जोश दिखा दिया, अब इंडिया ने ठान लिया कि भाई न्यूजीलैंड को हरा के रहना है। तो गाइस आई होप आप लोगों ने सारी आगे की रिएक्शन वीडियो देखी होंगी और आई होप आप लोगों को अच्छी भी लगी होंगी। तो गाइज अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है हमें लाइक करें, और गाइज हमारे वीडियो पर कमेंट कर दीजिए कि जल्दी से बता दीजिए कि आपको क्या लगता है कि KL राहुल को आगे खेलना चाहिए सरफराज खान को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।